सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के छठे दिन पे पहुंच चुके हैं, पर आज हम याद करेंगे माँ कात्यायनी को। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले जाकर लाइक कर लीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। योद्धा देवी के रूप में जानी जाने वाली माँ कात्यायनी माँ पार्वती के सबसे हिंसक रूपों में से एक है। उनके चार हाथ हैं और उनमें से दो हाथों में तलवार और कमल है। वह अपने तीसरे हाथ से आशीर्वाद देती हैं और अपने चौथे हाथ से रक्षा करती हैं। कथाओं के अनुसार एक साधु थे जिनका नाम था कत, उन जिनका एक पुत्र था कात्य, फिर बाद में उनका एक पुत्र था कात्यायन, पर साधु कात्यायन का कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं था, तो वो तप करके भगवान से एक संतान मांगने लगे। उधर राक्षस महिषासुर ने सब देवताओं को परेशान किया हुआ था, तो सब देवता भगवान विष्णु के पास गए कि वह महिषासुर का अंत करें। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ने एक आग निकाली जिसमें से माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। दुर्गा की एक अभिव्यक्ति उन्होंने तब साधु कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी के रूप में जानी जाने लगी। वह शेर पर सवार होती हैं और भक्त माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं। कल नवरात्रि के सातवें दिन मैं आपको बताऊंगी माँ कालरात्रि के बारे में, तो तब तक अक्कड़ पक्कड़ को सब्सक्राइब करें और जय माता दी बोलते रहें।